YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक और हरियाणा सरकार के एक और सुधार सेल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रॉकी मित्तल जी। क्या बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और 2019 जो है वो बेहद पास है, अब तो उसके लिए कैसी तैयारी चल? मैंने तो अभी से गाने बनाने शुरू कर दिए। अभी आया था मोदी की दहाड़ सुन बिलों में बढ़ गए बड़े बड़े। अभी मैंने जैसे कांग्रेस के कारनामे, भाई 1947 से लेके आज तक कांग्रेस के जितने स्कैम हैं उसके ऊपर मेरा एक गाना आया था कांग्रेस के कारनामे, और आज ही मैंने एक गाना बनाया है बीजेपी लाओ उड़ीसा बचाओ। मैं तो पूरे देश के लिए तैयारियां लग रहा है, पूरे देश में तैयारियां हैं मेरी। अभी से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया भाई, ताकि लोकसभा तक मेरे कम से कम 20 सॉन्ग तैयार हो जाएँ। और जैसे मनोहर लाल जी का है, मनोहर ने लाया टॉप गियर, मेरी तो अभी से तैयारी है। मेरे को तो मोदी जी जब आदेश देंगे मैं मैदान में उतर जाऊँगा। ओडिशा के ऊपर आपने अभी गाना लेके आए हो कि बीजेपी लाओ ओडिशा बचाओ, तो वो गाना जो है दर्शकों के लिए हो जाए थोड़ा सा? मैं आपको इसका वीडियो दूंगा। वो गाना है नवीन बाबू ने ओडिशा में जमकर लूट मचाई, अब उड़ीसा लूटने न दे पीएम नरेंद्र भाई, भाजपा लाओ भाई उड़ीसा बचाओ भाई। लेकिन रॉकी मित्तल जी, एक और जहां आप तो क्योंकि स्टार प्रचारक हैं अपनी पार्टी के, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, तो ऐसे में आप जी जान से जो है पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। साथ ही जींद में अमित शाह ने, जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी रैली करके आगाज जो है 2019 के चुनाव का यहाँ से किया था। लेकिन कहा जा रहा है, ऐसा जो है सुनने में आ रहा है कि वो जो रैली थी वो फ्लॉप इसलिए हुई क्योंकि रॉकी मित्तल के गाने वहाँ नहीं चले। देखो मेरी बात सुनो, आप ये बात तो समझ रहे कि वो पब्लिक बहुत आई, जनता काफ़ी आई। एक्चुअली क्या होता है कि 25-30% लोग 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, उन लोगों को रोक के रखना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो ये तो कहता हूँ कि रैली हमारी फ्लॉप नहीं थी, कामयाब थी। थोड़ा रॉकी मित्तल होता, उसके गाने होते तो थोड़ा ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती, जो चले गए वो लोग नहीं जाते। यानी जो रखा था टारगेट 2 लाख लोग जो हैं इस रैली में शामिल होंगे, अगर रॉकी मित्तल के गाने चलते तो वो ज़रूर वहाँ पर मिलते। देखो एक फैन फॉलोवर होती है, सबको एक बात का पता है कि जहाँ भी मोदी जी की रैली होगी, अमित शाह जी की रैली होगी या बड़ा बीजेपी का फंक्शन होगा, वहाँ रॉकी मित्तल आएगा। और कई बार ये लगता है कि यार रॉकी मित्तल नहीं आया, ऐसी क्या बात होगी। कई ऐसे चाहने वाले भी होते हैं कि फिर उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर कई बार चले भी जाते हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात बोलूँगा भाई, मेरे हो सकता है कोई कई बार ध्यान ना रहा हो बीजेपी को, इसलिए ना बुला पाए हूँ। लेकिन यदि वो मुझे कहीं भी बुलाते और जींद भी बुलाते मैं ज़रूर जाता और कोशिश करता कि वहाँ रंग जमाने की, ताकि जितने लोग आए वो जाते ना वहीं बैठे रहते। अगर रॉकी मित्तल वहाँ जाते तो कोई सवाल नहीं उठाता आज उस रैली के ऊपर? नहीं, सवाल तो खैर अभी नहीं उठाता, विपक्ष का काम तो बोलना होता है और विपक्ष बोलता भी है। लेकिन कई बार हमारे नेताओं ने भी मेरे से पूछा कि आप क्यों नहीं गए, मैंने तो यही पूछा कि यार ये क्यों नहीं पूछते, आप बुलाए क्यों नहीं? मेरे को बुलाया होता तो मैं ज़रूर जाता। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ अवंतिका यादव।